ये तस्वीरें हैं अलीगढ़ की, जहां आज प्रदर्शन हुआ। ऐसी ही तस्वीरें आई भोपाल से, जहां कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने एक प्रदर्शन रखा। अबे दुबे साहब, आप तो भोपाल में है नहीं, जहां तक मेरी जानकारी है शायद पटना में ही है, वापस लौटे नहीं होंगे, अभी आप प्रचार में हैं। तो ये पार्टी से पूछ के किया भाई साहब ने जो भोपाल में किया, या अपनी मर्जी से कर दिया, और पार्टी का स्टांस क्या है इस पर? जहां तक पार्टी का, वो हमारी पार्टी ने तो आतंकवाद के खिलाफ सर्वोच्च बलिदान दिया। 41 में महात्मा गांधी जी की आतंकवाद से लड़ते हुए शहादत हो, या 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा जी की शहादत हो, कल ही उनका शहादत दिवस है, या 91 में राजीव गांधी जी की शहादत हो, या 2013 में छत्तीसगढ़ में 25 नेताएं हमारे आतंकवाद का शिकार हुए, तो हमने तो सर्वोच्च बलिदान दिया है। कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार की हिंसा के समर्थन में कतई नहीं है। मगर मैं अपेक्षा कर रहा था कि प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं फिर? अभी रविशंकर प्रसाद जी का इंटरव्यू आपने दिखाया, उन्होंने भी वही कहा। रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि हजरत मोहम्मद पैगंबर जी के खिलाफ जो कहा गया है वो भी सही नहीं है और हिंसा भी सही। रविशंकर प्रसाद ने भीड़ लगा के, नारे जुटा के और पोस्टर जमीन पे लगा के एक मित्र देश के राष्ट्रपति के, उनको रौंदने का कार्यक्रम तो नहीं रखा ना साथ में? मैं हतप्रभ हूँ। प्रधानमंत्री जी ने फ्रांस पर ट्वीट किया, बड़ी अच्छी बात है, मगर मुंगेर पटना में आए, बिहार में आए, तो मुंगेर की तरफ मुंह तक नहीं किया। उनकी तरह ट्वीट या उनको बोलने की तो ठीक है। अबे जी, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे तो आज आपको मुंगेर की घटना की चिंता हो रही है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। 3 दिन से आपके नेता जो चुनाव में हिंदू होने का आरोप झेलते हैं हर बार, वो फिर से चुनाव में हिंदू हो गए हैं। लेकिन मेरा सवाल फ्रांस को लेकर है और आपके विधायक को लेकर है, जिसके बारे में आपकी बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। आप डरते हैं क्या अपनी पार्टी के विधायक से? मैंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जो राजनीतिक दल साहस से लड़ा हो। सर, वो लिखित बयान है, वो टेम्पलेटेड बयान है जो हर बार हर जगह दे दिया जाता है। मैं आपके विधायक का नाम लेके पूछ रहा हूँ और आप नाम तक लेने से डर रहे हैं अपने विधायक का? क्यों? बयान नहीं, लहू दिया है, लहू इस देश के लिए। क्या बात करते हैं, अगर हिंसा के खिलाफ हम हैं, अभय जी, कोई भी हो, अभय जी, लहू की रॉयल्टी नहीं मांगी जाती है, लहू की रॉयल्टी नहीं मांगी जाती है। जो देश के लिए लहू देते हैं वो रॉयल्टी नहीं मांगते हैं उसकी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि विधायक के कारनामे पर आपका क्या कहना है, आप बोल नहीं पा रहे उस पर, क्यों? डर लगता है आपको? आप उतनी साहस पूर्वक कमलेश तिवारी जो उत्तर प्रदेश अभय जी गलत जगह फंस गया, गलत जगह फंस गए, यहाँ बैठ के यही बैठ के कार्यक्रम हुए, और जिस दिन कमलेश तिवारी का गला रेत दिया गया उस दिन भी कार्यक्रम हुआ। आपकी हिम्मत तब भी नहीं थी, आपकी हिम्मत तब भी नहीं थी निंदा करने की, आपकी हिम्मत आज भी नहीं पड़ रही अपने विधायक के बारे में दो शब्द बोल दें। आप कहां ढूंढ रहे हैं अभी भी कि कैसे छुपा लूं मैं इस बात को कि हाँ मेरे विधायक के बारे में बात हो जाए? मैं भी करता हूं, आप भी करिए प्रधानमंत्री जी की निंदा, उन्होंने मुंगेर के में जो संस्थागत अभय जी 3 दिन से मुंगेर में कार्यक्रम मैं कर रहा हूं, उसमें 2 दिन बैठा के आपको मौका मैंने दिया कि आप बोलिए उस पर, लेकिन ना आपको केवल कवर चाहिए अपने विधायक को बचाने के लिए। इतना डरते क्यों विधायक से? क्यों डर रहे हैं अपने विधायक से? अभी क्यों डरते हैं? आरिफ मसूद से डरते हैं क्या? आरिफ मसूद से बुनियादी सिद्धांत अहिंसा का है, हम तो अहिंसा पर वो धर्म के लोग हैं, हम तो अहिंसा में विश्वास रखते हैं। मुझे बताइए ना एक बार, जी मैं आपसे कहां कह रहा हूं कि आप अपने विधायक पर हिंसा कीजिए? मैंने पूछा क्या आप अपने विधायक के इस कार्यक्रम के साथ हैं? आपकी पार्टी इस कार्यक्रम को अनुमति देती है, सहमति देती है जो उन्होंने किया? बिल्कुल नहीं, विधायक ने स्वयं ने कह दिया कि ये कांग्रेस पार्टी का कोई आयोजन नहीं है। तो ये बात पहले कह देते ना, मेरे समुदाय का आयोजन है, यही बात पहले कह देते ना, कह दिया ये बात पहले कह देते ना, कोई आयोजन नहीं है, कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं इससे। बिल्कुल उन्होंने, उसने ही कह दिया विधायक। तो कांग्रेस पार्टी निंदा करती है उनके ऐसा करने की? आपके इंटरव्यू में कांग्रेस पार्टी निंदा करती है उनके ऐसा करने की? मैं तो हिंसा की निंदा करते हैं, लेकिन किसी को भी किसी धर्म जाति समुदाय के अपमान नहीं करना चाहिए। और अपमान करने पर कोई गला काट दे तो उसके आप साथ हैं कि हाँ गला काट देना चाहिए? कोई बात नहीं, हमारे चारी अब्दों के दफ्तर में 17 आदमी मार दो, उसके बाद दोबारा टीचर को मार दो, फिर 3 लोगों पे चाकू लेके चढ़ जाओ, उससे आप सहमत हैं, उसके साथ हैं आप? ये हिंसक मनोवृत्ति भारतीय जनता पार्टी की है। अरे तो आप निंदा तो कीजिए ना फिर, निंदा तो कीजिए कम से कम उसकी, निंदा तो कीजिए। मैंने क्या कहा आपको रोहित सरदाना जी,
कि हिंसा की निंदा करता हूं मैं भी, मेरा राजनीतिक दल करता है, रणदीप सुरजेवाला जी ने राष्ट्रीय हमारे जो मीडिया उन्होंने भी कहा कि हम समर्थन उसी नहीं करते की है। अब इससे उसी तरीके की है जैसी असहमति है अपने विधायक के उस कार्यक्रम में खड़े होने से, उसी तरीके की निंदा है ना कि हम तुम्हारे साथ नहीं है पर तुम करते रहो कोई बात नहीं अपने नाम से। हमारी कौम का कार्यक्रम है। अब आप एक बार प्रधानमंत्री जी से भी संबित पात्रा से पूछिए, प्रधानमंत्री जी ने पात्रा से पूछ लूंगा मुंगेर में कार्यक्रम रोज कर रहा हूँ आपकी तरह नहीं हूँ कि मौका परस्ती हो, जहाँ मौका आए चुनाव दिखे तब जाके जागूं कि हाँ मैं भी हिंदू हूँ, हर रोज कर रहा हूँ कार्यक्रम और 3 दिन से कर रहा हूँ और आपको कम से कम बताने की जरूरत नहीं क्योंकि उसमें 2 दिन आप बैठे हैं उस कार्यक्रम में, इसलिए कम से कम यहाँ बैठ के तो कम से कम मत बोलिए ना, दूसरी जगह जाके बोलते तो समझ में आता था। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।